दोस्तों आज मैं आप सबको बताने वाला हूँ टाटा मोटर में जो किसी भी गाड़ी का कंप्लेन करते हैं तो किस तरीके से करते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये आपको टोल फ्री नंबर दिख रहा है, ये टोल फ्री नंबर कोई भी गाड़ी का, आप अगर आप वर्कशॉप पे काम कर रहे हैं तो वर्कशॉप में कोई भी गाड़ी का आपको कंप्लेन करना है, सबसे पहले आपको ये टोल फ्री नंबर पर कंप्लेन करना होगा। टोल फ्री नंबर पर कंप्लेन करेंगे, बताएंगे मेरी गाड़ी में ये दिक्कत है, मैंने रीजनरेशन इशू पर कंप्लेन किया है। देखिए ध्यान से, रीजनरेशन इशू पर कंप्लेन किया है और इसमें रीजनरेशन की दिक्कत आ रही गाड़ी में। तो किस तरीके से टेक्लाइंट को मेल करते हैं और किस तरीके से रिप्लाई आता है, काम करते कौन पहले कौन सा मेल आता है, ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ दोस्तों। सबसे पहले मैंने कॉल किया, देखिए सिक्योर कॉल कॉल करके लिख के आ रहा है, ये 27 जून का मैंने कंप्लेन किया था, कंप्लेन स्टेटस ओपन ऐसा। सबसे पहले आपको ये मेल आएगा टाटा मोटर की तरफ से, आपने कंप्लेन किया, सबसे पहले ये कंप्लेन नंबर यहाँ पर आ जाएगा आपको, ये देखिए कंप्लेन नंबर ये रहा, और ये टोल फ्री नंबर भी आपको कंप्लेन करना है। सबसे पहले कोई भी कर सकता है, लेकिन अगर वर्कशॉप में गाड़ी रहेगी तो ही रिप्लाई करते हैं, वर्कशॉप को मेल आईडी बताना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, तो कैसा है ये गाड़ी नंबर, ये एस गोल्ड है, देख रहे रीजनरेशन इशू। इस तरीके से पहले टाटा मोटर की तरफ से मेल आ जाएगा और नेक्स्ट स्टेप मैं पूरा इसका दिखाता हूँ। तो अभी यहाँ पे देखिए एस गोल्ड, फिर उसका चेसिस नंबर, इंजन नंबर, CSM नेम, CSM मोबाइल नंबर, और उसके बाद टेकलाइनर नेम, टेकलाइनर मोबाइल नंबर, और कौन कॉल किया है, वो सब सारी डिटेल यहाँ पे ऐसा ये बड़े से कॉलम में भर के आ जाएगा। फिर इसके थोड़ी देर बाद एक और मेल आता है टाटा मोटर की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, एक और मेल आता है जिस पे आपको काम करना रहता है, तो वो भी मेल आपको मैं दिखाता हूँ। क्या रीजनरेशन इशू पे अगर आप कंप्लेन करें तो टाटा मोटर ने क्या क्या मांगते हैं, क्या क्या डिटेल मांगते हैं, वो भी मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। तो वीडियो भी बने रहे, वीडियो जरा से भी स्किप मत करें दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब करें, ये वीडियो को भी लाइक करें दोस्तों। देखिए इस तरीके से मेल लिख के आएगा, डियर चैनल पार्टनर प्लीज़ शेयरिंग फॉलोइंग डिटेल्स। इस तरीके से आपको फर्स्ट स्टेप EMS इश्यू, जी हाँ दोस्तों, रीजनरेशन की इशू में सबसे पहले आपको EMS सॉफ्टवेयर चेक करना है, कौन सा वर्जन है सॉफ्टवेयर वर्जन। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि योगेश सर का कमेंट भी आया था रीजनरेशन के लिए मैसेज किया सूट मास से, वो काफ़ी दिन से परेशान है, तो काफ़ी ध्यान से वीडियो देखेंगे सर, जरा से भी स्किप मत करिएगा, ये वीडियो एक आप देख लेंगे। देखिए कुछ इस तरीके से EMS डिटेल स्क्रीन शॉट, आल DTC स्क्रीन शॉट, सेलिंग आल DTC TDS, मतलब जितना भी फॉल्ट कोड आ रहा है सब सब फॉल्ट कोड और डिटेल, और उसके दो डाटा लॉक इंजन पैरामीटर आइडल एंड 2 मिनट RPM, 2 मिनट आइडल पे, 2 मिनट एंड फुल RPM पे आपको डाटा लॉक शेयर करना है। देखिए इस डाटा लॉक कैसे लेते हैं वो भी मैं आपको एक वीडियो में बना के बता दूंगा, डाटा लॉक कैसे लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर जिसको डाटा लॉक लेने नहीं आता होगा, कि मैं दोस्तों चाहता हूँ कि जो भी हमारा वीडियो देखें वो गाड़ी का हर एक काम कर सके, कोई भी काम ऐसा ना हो कि वो कर ना पाए। जी हाँ दोस्तों, अगर जो भी चीज़ आप डाउट हो बताइए, जैसे सर ने मुझे कमेंट किया था तो मैं सर के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। और उसके बाद फिर लिख रहे हैं प्लीज़ चेक एंड शेयर पॉइंट, इस तरीके से लिख के आ रहे हैं। देखिए रिमूव, देखिए आप ध्यान से पढ़िए, रिमूव एंड इंस्पेक्शन ऑल कंपोनेंट्स इन द इंटेक सिस्टम ऑफ एनी डैमेज, और मतलब आपको इंटेक सिस्टम चेक करना है, इंटेक सिस्टम में कहीं ऑयल वगैरह तो नहीं आया, कोई चीज़ डैमेज तो नहीं है, फिर से आपको ये चेक करना है। जी हाँ दोस्तों, और उसके बाद ऑयल ट्रेन से इंटेक सिस्टम साइड आपको ये चेक करना है, इंटेक सिस्टम में ऑयल आया कि नहीं आया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। ये अगर इंटेक सिस्टम में कहीं से ऑयल आया रहेगा तो बार बार रीजनरेशन आएगा। ये पाइप आपको चेक करनी है इंटेक सिस्टम की, ये देख रहे हैं, इसके बाद बोला ये पाइप आपको चेक करने के लिए बोल रहे हैं। फिर उसके बाद इंजन ऑयल क्वांटिटी, इंजन ऑयल भी चेक करना, अगर ऑयल बढ़ा रहेगा या ऑयल कम हुआ रहेगा तो भी रीजनरेशन की समस्या आएगी। जी हाँ दोस्तों, तो आपको ये भी चेक करना है, इंजन ऑयल बढ़ा है कि कम हुआ है ये भी चेक करना है। जी हाँ दोस्तों, फ्यूल इंजेक्टर बैक लीक, बैक लीक चेक करें कि 1 मिनट आइडल RPM पे कूलेंट टेम्परेचर 70 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए जब आप चेक करें बैक लीक। तो जी हाँ दोस्तों, इस तरीके से आपको बैक लीक चेक करना है। फिर उसके बाद DOC एंड HDPF, ब्रेक कंडीशन क्लीन यूजिंग कंडीशन इज ओके, आपको DOC और HDPF अगर दोस्तों क्लीन नहीं रहेगा, ये देख रहे हैं DOC और HDPF, सॉरी DOC और HDPF ये जो आपको दिख रहा है ये वाला पॉइंट, देखिए HDPF चोक होने की वजह से ही ये ऐसा रीजन की समस्या आती है HDPF, तो ये आप चेक करें। DP सेंसर होस एनी
डीपी सेंसर के जो होस होते हैं वो आप चेक करें कोई जाम तो नहीं हुआ है। ये देखिए डीपी सेंसर का होस, डिफरेंशियल प्रेशर सेंसर लगा होता है, साइलेंसर से दो पाइप आती है। डिफरेंशियल प्रेशर सेंसर पर मैंने वीडियो बनाया, जो वीडियो नहीं देखें आई बटन पर क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। ईजीआर लाइन भी आपको चेक करना है, ईजीआर लाइन चेक करना है। जी हाँ दोस्तों, अभी तक जो भी पॉइंट मैंने बताया, किसी को डाउट रहा है ये सब सारी पॉइंट में, डाउट हो तो मेरे से कोई पूछ ले। इतना पॉइंट आप चेक करेंगे आपको फॉल्ट मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ये सारी पॉइंट आप चेक करेंगे आपको फॉल्ट मिल जाएगा कहीं ना कहीं से। दोस्तों ये रीजनरेशन की इशू पे मैंने कंप्लेंट किया था। और कुछ पैरामीटर वगैरह देता है, देखिए गिव कंप्लेंट डिटेल्स आपको चेक करना है, ये सारी चीज़ें आपको चेक करना है। सिलेंडर हेड कवर रेट्रो हुआ है कि नहीं, पिक्टल वायरिंग, पावर मोड स्विच लगा हुआ है कि नहीं, डिप्टिक गेज लगा हुआ है, रेट्रो हुआ है कि नहीं, रेट्रो वाला पार्ट सब आपको चेक करना है। इतना पार्ट रेट्रो आया था टाटा मोटर की तरफ से, सिलेंडर हेड कवर, पिक्टल वायरिंग आया था और उस पर डिप्टिक गेज आया था, और जो भी चीज़ रेट्रो हुआ था मैं आपको दिखा रहा हूँ सारी वीडियो, सारी चीज़ें आप ध्यान से देखिए। और इंजन ऑयल, DPF रेट्रो, DOC रेट्रो, एयर फिल्टर रिप्लेसमेंट, एयर फिल्टर रिप्लेसमेंट करने का टाइम हुआ तो रिप्लेसमेंट हुआ है कि नहीं, फ्यूल इंजेक्टर, सिलेंडर हेड असेंबली, ये सारी चीज़ें का कंडीशन कैसा है, रेट्रो जो हुआ था रेट्रो हुआ है कि नहीं, सारी चीज़ें आपको चेक करना है। अब इतना पॉइंट चेक करें दोस्तों आपको फॉल्ट कहीं ना कहीं ज़रूर मिल जाएगा और गाड़ी 100% सही हो जाएगी, 100%। दोस्तों आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियो को भी अपने दोस्तों को शेयर करें जैसे उनको मालूम पड़ सके रीजनरेशन इशू, क्योंकि दोस्तों काफ़ी सारे लोग रीजनरेशन इशू की वजह से परेशान है। जी हाँ दोस्तों काफ़ी सारे लोग, तो ये वीडियो ध्यान से देखिए, रीजनरेशन का प्रॉब्लम कभी भी नहीं आएगा, जो जब भी आए इतना प्रॉब्लम आपको चेक करना, इतना पॉइंट गाड़ी आपकी 100% सही हो जाएगी। धन्यवाद दोस्तों वीडियो पूरा देखने के लिए।